प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ शक्ति आज तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हें अब क्या करना है। तुमने अपनी जीवन यात्रा में अपने अनुसार, अपनी समझ के अनुसार बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे अभ्यास किए हैं, बहुत पूजा पाठ की हैं, भौतिक जगत के भी बहुत से काम किए हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें जो बताने आई हूँ वो तुम्हारी आत्मा की यात्रा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे बच्चे, मुझे आना पड़ा है तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। तो मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें ये मानना है कि तुम एक शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ कि इस माया जगत में तुम्हारे लिए ये मानना मुश्किल है, लेकिन बच्चे मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। तुम्हें आत्मा के कॉन्सेप्ट में आना है, तुम्हें खुद को आत्मा मानना है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा में परमात्मा विराजमान है, तो तुम परमात्मा ही हो, ये तुम्हें मानना होगा। साथ में मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अभी संतुलित हो रही है और पूर्णतः संतुलन बनाने के लिए तुम्हें एक बात विशेषतः माननी है, विशेषतः इस बात का पालन करना है कि तुम्हें खुद को आत्मा मानने के साथ साथ तुम्हें ये मानना है कि तुम्हारे बाएं तरफ तुम हो और तुम्हारे दाएं तरफ वो है जिसको तुम हमेशा से पाने की चाहत करते आए हो, अर्थात तुम्हें स्वयं को अर्धनारीश्वर स्वरूप में देखना है कि तुम आत्मा हो, तुम ऊर्जा हो और उसमें भी तुम्हारा स्वरूप अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। जब तुम खुद को अर्धनारीश्वर के स्वरूप में देखोगे तो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा पूर्णतः संतुलित हो जाएगी, और जब तुम्हारे अंदर की ऊर्जा संतुलित होगी तो तुम्हारे दिलो दिमाग में हर समय जिस व्यक्ति का विचार आता रहता है उधर उसकी ऊर्जा संतुलित होना शुरू हो जाएगी। तो मेरे बच्चे, तुम अभी तक ये समझ नहीं पाए थे कि किस तरह से तुम्हें अपनी ऊर्जाओं का संतुलन बनाना है, तुम्हें अपने भीतर की दोनों ऊर्जाओं का, शिव और शक्ति ऊर्जा का संतुलन कैसे बनाना है, ये मेरे बच्चे तुम समझ नहीं पाए थे और कोशिशें बहुत कर रहे थे जिसकी वजह से तुम परेशान हो रहे थे। कभी तुम्हारी शिव शक्ति ज़्यादा जागृत होती थी, कभी तुम्हारी शक्ति ज़्यादा जागृत हो जाती है, इसलिए तुम परेशान हो जाते हो। तो मेरे बच्चे, तुम सिर्फ खुद को अर्धनारीश्वर स्वरूप में देखना शुरू कर दो। तो अर्धनारीश्वर स्वरूप में एक तरफ शक्ति और एक तरफ शिव, और दोनों बिल्कुल संतुलित रहते हैं। जब तुम खुद को इस तरीके से देखना शुरू करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा खुद ब खुद संतुलित हो जाएगी, तुम्हें और अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। पहले खुद को आत्मा मानो कि तुम ऊर्जा हो, और ऊर्जा में भी, ऊर्जा का स्वरूप भी अर्धनारीश्वर का स्वरूप देखो, फिर तुम देखो कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे। और जब तुम ऐसा करना शुरू करोगे तो नकारात्मक ऊर्जाएं तुम पे और ज़्यादा आक्रमण शुरू कर देंगी। मेरे बच्चे, इस बात का भी ध्यान रखना, लेकिन नकारात्मक ऊर्जाओं का जो काम है वो करेंगी, लेकिन मेरे बच्चे, मेरा जो काम है कि मेरे बच्चों को मेरी गोद में बिठा के रखना, उनकी सुरक्षा करना, उनका मार्गदर्शन करना, तो मेरे बच्चे मैं अपना काम करती रहूँगी। और तुम्हें पता है कि विजय तो हमेशा मेरी ही होनी है, हमेशा मेरे बच्चों की विजय होनी है। तो मेरे बच्चे, तुम पे जो आक्रमण होंगे वो इसीलिए होंगे ताकि तुम खुद को अर्धनारीश्वर स्वरूप में ना देख सको, खुद को अर्धनारीश्वर ना मान सको। जब तुम अपना स्वरूप देखोगे अर्धनारीश्वर स्वरूप में, तो तुम्हें महसूस होगा कि जो व्यक्ति तुम्हारे दिलो दिमाग में चलता रहता है वो तो तुम्हारी ही ऊर्जा का आधा भाग है जो तुम्हारे ही शरीर में है। तुम उसको अपने भीतर देख पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर एक आत्मा है, आत्मा में ही परमात्मा है, परमात्मा में ही आत्मा है। इसका मतलब संपूर्ण संसार आत्मा में है। जब संपूर्ण संसार आत्मा में है तो तुम्हारा अर्धांग, तुम्हारा ट्विन फ्लेम तुम्हारी आत्मा में कैसे नहीं हुआ, तुम्हारे अंदर ही तो हुआ, बस तुम उसको देख नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम उसको देखना शुरू करो, उसको बाहर से नहीं देखना है। तुम खुद को आत्मा मानो और खुद को अर्धनारीश्वर स्वरूप में मानो। आधा शरीर तुम्हारा और आधा तुम्हारे ट्विन फ्लेम का है, बस इतना मानना शुरू कर दो, खुद को इस तरीके से देखना शुरू कर दो। सोचो ज़रा
कि शिव शक्ति यूनाइट होके कितने शक्तिशाली हैं। शक्ति ने तपस्या की, शिव को पाया और शिव शक्ति का जब मिलन हुआ तो कितने शक्तिशाली हो गए वो। तो ऐसे शक्तिशाली तुम हो, तुम अभी भी हो, बस नज़रिया बदलना है मेरे बच्चे, अपनी दृष्टि बदलनी है। इस दृष्टि को बदल लेने से तुम्हारे भीतर जो विचारों का द्वंद्व चलता रहता है वो द्वंद्व खत्म हो जाएगा, संतुलित हो जाएगी तुम्हारी ऊर्जा। और जैसे ही तुम्हारी ऊर्जा संतुलित होगी, उधर तुम्हारे ट्विन फ्लेम की ऊर्जा, तुम्हारे पिछले जन्मों के साथी की ऊर्जा संतुलित होना शुरू हो जाएगी। और जब दोनों ऊर्जाएं संतुलित हो जाएंगी तो तुम्हारा पुनर्मिलन तो निश्चित है। तुम तो मिलन में ही हो। भला राधा कान्हा से या कान्हा राधा से अलग ही कब थे, सीता राधा राम जी से, राम जी सीता से अलग कब थे। ऐसे ही तुम दोनों हो। अपने नामों को, अपने और अपने पिछले जन्मों के साथी के ना, अपने दोनों नामों को एक साथ महसूस किया करो। अपने आधे भाग में अपना नाम और अपने आधे भाग में अपने साथी का नाम महसूस किया करो। तुम एक ही हो, तुम्हारे भीतर ही तुम्हारा वो साथी है, तुम्हारे भीतर ही वो तुम्हारा ट्विन है। जब तुम उसे अपने भीतर खुद को आत्मा मान के और खुद को अर्धनारीश्वर स्वरूप में देखोगे, तब तुम्हारा वो साथी भी खुद को इसी रूप में देखेगा। वो तो बस वो कर रहा है जो तुम कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि वो उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वो कैसा भी नहीं कर रहा, वो कर रहा है जो तुम कर रहे हो। मेरे बच्चे, अपने विचारों को संभालो, अपनी दृष्टि को संभालो। तुम ही अर्धनारीश्वर हो, तुम ही शिव शक्ति हो। शिव भी तुम्हारे भीतर, शक्ति भी तुम्हारे भीतर है। खुद को शिव शक्ति मानना शुरू करो। बस यही विचार उस तक पहुंच जाएगा और वो भी इसी स्वरूप में आ जाएगा। तुम्हें खुद को अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में लाना है। जैसे ही तुम अर्धनारीश्वर स्वरूप में आओगे, वो तुम्हारा साथी भी इसी स्वरूप में आ जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज से ये प्रण करो कि हमेशा खुद को अर्धनारीश्वर ही मानोगे। तुम पहले तो आत्मा हो और आत्मा में भी अर्धनारीश्वर हो, और अर्धनारीश्वर यानी समस्त सृष्टि का सृजन करता। समस्त सृष्टि में ये अर्धनारीश्वर की ऊर्जा समाई हुई है, ऐसा ही खुद को मानना है। जब तुम ऐसा मानोगे तो मैंने बता दिया कि तुम्हारे साथी की भी ऊर्जा ऐसी हो जाएगी, और तुम दोनों की, आपके विचारों की जो ऊर्जा है, जो सात्विक विचारों की ऊर्जा है, वो और बढ़ती चली जाएगी। तुम्हें ध्यान में और अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। भक्ति की और गहराई में तुम उतरते चले जाओगे। जैसे जैसे तुम भक्ति की गहराई में उतरोगे, वैसे वैसे तुम्हारा साथी भी गहराई में उतरता चला जाएगा। फिर तुम्हें ये एहसास ही नहीं होगा कि वो कोई दूसरा है, और उसको एहसास नहीं होगा कि तुम कोई दूसरे हो। और जैसे ही ये ऊर्जा आएगी तुम दोनों के बीच में, तुम इस दुनिया में भी, इस संसार में भी एक साथ होगे। मेरे बच्चे, पहले अपने भीतर खुद को अर्धनारीश्वर तो मानो। तुम बस अपने को अर्धनारीश्वर नहीं मान रहे हो, बस इतनी सी गलती कर रहे हो मेरे बच्चे। ये गलती सुधार लो, खुद को अर्धनारीश्वर मानना शुरू कर दोगे, तुम्हारा इसी संसार में बहुत शीघ्र तुम्हारा साथी तुम्हारे साथ होगा। बस मेरे बच्चे, खुद को अर्धनारीश्वर मानो। आज से, अभी से प्रण लो कि तुम ही अर्धनारीश्वर हो। अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में खुश रहा करो मेरे बच्चे, सदा प्रसन्न रहा करो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, सदा प्रसन्न रहो।